अपने गेम में सुपर मार्केट को ले लिया और अपनी सुपर मार्केट को एंजॉय करने में मुझे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। साथ ही आप लोग देख सकते हो अपने टीटे डायनासोर को इसी तरह से मैं ड्राइव भी कर पा रहा हूँ। आप लोग भी अपने गेम में टीटे डायनासोर को ड्राइव कर सकते हो। पहले आप लोगों को आईजी टूल में ये चीट को नंबर डायल करना पड़ेगा टीटे डायनासोर के पास में जाके। अब वो चीट को नंबर कौन सा होने वाला, चलो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कि आप लोग अपने टीटे डायनासोर को ड्राइव कैसे कर सकते हो। साथ ही आज की वीडियो आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं आप लोग अपने न्यू एंटोवर कार को कैसे ले सकते हो और एंटोवर कार का चीट को नंबर आज की वीडियो आप लोगों को बताने वाला हूं। गाइस आज की जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा सीक्रेट चीट कोड के ऊपर होने वाली है, जो कि आप लोगों को कुछ आईजी टूल के और कुछ नंबर के चीट कोड नंबर भी होने वाले हैं। और साथ ही आप लोगों को अपने गेम में सुपर मार्केट को कैसे लेना है, उसकी लोकेशन कहां पे देखने को मिलेगी, ये भी तुमको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आप लोग काफी ज्यादा सीक्रेट चीट कोड नंबर स्किप मत करना। तो चलो आप लोग अपने गेम में जल्दी से एक एक करके चीट को मैं बताता हूं। चीट कोड नंबर लिख भी सकते हो या फिर आप लोग याद भी कर सकते हो। बिना चीज के वीडियो को देखो, छोटे से इंटू के बाद आ चुका हूँ फिर से और अभी आप लोग अपने गेम में सुपर मार्केट का चीट कोमर जल्दी से दिखा दो। जी हाँ गाइस, हमारे आईजी शूल में अपने जो सुपर मार्केट का चीट कोमर देखने को मिलता है। क्या आप लोगों को अभी तक पता है? नहीं पता तो जल्दी से मैं सुपर मार्केट का चीट कोमर बताता हूँ। उसके बाद टीटे डायनासोर को ड्राइव कैसे करना है ये भी तुमको बताऊंगा और अपनी न्यू एंटोवर कार भी आई है उसका चीट कोमर भी हम लोग जरूर से देखने वाले। तो सुपर मार्केट को हमको स्पॉन करने के लिए सबसे पहले हमको आईजी शूल में जाना है और आईजी शूल में आप लोग अपने गेम में जो चीट कोमर डायल करूंगा उसी तरह से आप लोग भी बिल्कुल करना है, जब भी आप लोग अपने सुपर मार्केट को इसी तरीके से एंजॉय कर पाओगे। तो अपने सुपर मार्केट का चीट कोमर होने वाला आप लोग अपने गेम में लिखना है H एंड उसके बाद लिख देना 10। H 10 लिखोगे आप लोग की गेम आ जाएगी सुपर मार्केट और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तीन सुपर मार्केट देखने को मिलते हैं। अभी आप लोगों को अंदर से भी दिखाने वाला हूँ, अंदर से भी आप लोग अपने गेम में कुछ इस तरह से कैसे कर सकते हो। भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग बिल्कुल भी इसके मत करना। अब आप लोगों को बता दो इसको सेट कैसे कर सकते हैं, मतलब सड़क के किनारे हम लोग सेट करने वाले हैं। जब भी हमारी सुपर मार्केट थोड़ी बहुत अच्छी भी लगेगी ना, जब इसके अंदर भी जाके मैं तुमको दिखाऊंगा अंदर से तो और भी ज्यादा बढ़िया है। तो अपने गेम में इसको सेट करने के लिए मैं यूज करूंगा MOD मोड एंड उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा ऑन। भाई जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना है, जब भी अंदर से सुपरमार्केट तुम्हारे देखने को मिलेगी अगर तुम मेरी तरह नहीं करोगे तुम्हारे अंदर से सुपरमार्केट नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसके पास में जाना, मैं आप लोगों को इसको क्लिक करके आप लोगों को कुछ इस तरह से सेट कर देना। देखिए तक तो मैंने बिल्कुल फूड पार्ट पे इसको बिल्कुल सेट कर दिया है। अब मैं आप तुमको दिखाता हूँ इसके अंदर जाके, अंदर तुमको अपने सुपर मार्केट और भी ज्यादा अंतरंगी देखने को मिलेगी। अब तुम सोचोगे भाई इसके अंदर कैसे जा सकते हैं, अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले इसके पास में जाना है, पहले अंदर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बाहर का थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर से दिखाऊंगा मैं आप लोगों को अंदर से आप लोग किस तरह से जा सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने गेम में बाहर की साइड हम लोग थोड़े बहुत डस्टबिन वगैरह लगा लेते हैं, जिससे कि अपनी सुपर मार्केट थोड़ी बहुत अच्छी देखने को मिले और काफी ज्यादा यूनिक भी देखने को मिले एंड काफी ज्यादा बढ़िया भी देखने को मिले, ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ जल्दी से यहाँ पे डस्टबिन। तो मेरे हिसाब से वैसे यहाँ पे डस्टबिन ठीक लग चुका है, डस्टबिन को भी इसी तरीके से खड़ा कर दिया और अपनी जो अपने इसी तरीके से सुपर मार्केट भी इसी तरीके से तैयार हो चुकी है। अभी अपने गेम में यहाँ पे मैंने सुपर मार्केट के साथ साथ अपने गेम में एक और डस्टबिन इधर की साइड हम लोग खड़ा कर देते हैं। उसके लिए हम लोग अपने गेम में डायल करेंगे P एंड उसके बाद 8 डायल करेंगे। भाई अपने गेम में एक नेक्स्ट डस्टबिन आ जाएगा जो कि अपने गेम में दूर ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। मतलब इसको मेरे को सेट करने की वैसे जरूरत नहीं है, अभी सुपर मार्केट इसी तरीके से थोड़ी अंदर की साइड लग रही है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड कर देता हूँ जिससे कि और भी सुपर मार्केट ऊंची से और अच्छी से देखने को मिल जाए, ठीक है। मैंने इसको इसी तरीके से यहाँ पे सेट कर दिया। ऑलराइट, अभी अपने गेम में ये डस्टबिन कुछ ज्यादा दूर हो चुका है तो मैं इसको बिल्कुल पास में कर देता हूँ एंड उसके बाद अपने गेम में इसके अंदर का हम जाके देखेंगे अपनी सुपर मार्केट अंदर से कैसे देखने को मिलने वाली है और आप लोग इसके अंदर कैसे जा सकते हो। अभी मैंने डस्टबिन कुछ इस तरह से खड़ा कर दिया। भाई अपने गेम में सुपर मार्केट बना रहे, मतलब हमको ऐसा वैसा चीज नहीं बना रहे, तो सुपर मार्केट बना रहे हैं तो अपने गेम में कुछ पेड़ वगैरह भी होने चाहिए, राइट। पेड़ को स्पॉन करने के लिए हम लोग डायल करेंगे T एंड उसके बाद हम लोग डायल करेंगे 3। डायल करके अपने गेम में एक पेड़ भी स्पॉन करवा देते हैं, तो यहाँ पे मेरा पेड़ स्पॉन कर दिया पीछे की साइड और राइट, काफी बढ़िया भी देखने को मिल रहा है यार। हाल फिलहाल मेरी सुपर मार्केट काफी ज्यादा अच्छी लग देखने को मिली है। हम लोग इसके जल्दी से अंदर चलते हैं और मैं आप लोगों को अंदर से सुपर मार्केट दिखाता हूँ, अंदर से सुपर मार्केट कैसे होने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को अंदर जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग अपने गेम में एक कार को स्पॉन कर लेना। जैसे गेम में एक कार को स्पॉन करवा रहे तो मेरे गेम में ये कार आ चुकी है, आप लोग अपने गेम में जो से मर्जी चाहे को कार को स्पॉन करवा सकते हो। मैं इसके अंदर जाके आप लोगों को जल्दी से दिखाता हूँ एंड अंदर से भी आप लोगों को अपने यूनिक से सुपर मार्केट दिखाता हूँ। उसके लिए आप लोग अपने गेम में कुछ इस तरह से कार को भिड़ा देना, जैसे कि मैं इसको बिल्कुल इजी तरीके से भिड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह से भिड़ाना है एंड लाइक अगर आप लोग गलती करोगे आप लोग इसके अंदर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अपने गेम में इसी तरह से बिल्कुल भिड़ाना है जैसे कि मैं भिड़ा पा रहा हूँ एंड उसको भिड़ाने के बाद आप लोगों को इसी तरीके से एग्जिट लेना एंड गाइस जैसे आप लोग अपने गेम में एग्जिट लोगे आप लोग पहुंच जाओगे इसी तरीके से सुपर मार्केट के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने गेम में सुपर मार्केट के तो मैं अंदर आ चुका हूँ, बट यार अंदर से तो कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और अपने गेम में सुपर मार्केट नॉर्मल देखने को मिल रही है। अपने गेम में ये वाली जो अपने सुपर मार्केट को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, तो आप लोग अपने गेम में ये वाली सुपर मार्केट को कैसे ले सकते हो वो सीक्रेट सेटिंग में आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने गेम में ये वाली सुपर मार्केट को कैसे ले सकते हो। हालांकि मैंने आप लोगों को ये वाली सुपर मार्केट बता दी, कुछ इस तरह से बना के भी आप लोग अपने सुपर मार्केट को एंजॉय कर सकते हो। अभी आप लोग अपने गेम में बताना चाहूंगा आप लोग अपने गेम में कौन से चीट कोड नंबर से डायनासोर को स्पॉन करवा सकते हो और कौन से चीट कोड नंबर से इजी तरीके से आप लोग टीटे डायनासोर को
सब्सक्राइब कर सकते हो। आप लोग अपने गेम में जल्दी से वो चीट को मार दिखाता हूँ। आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक मार दो, केवल आप लोगों के लिए 6000 लाइक का टारगेट है। अड़ाई आप लोग कंप्लीट भी कर दोगे, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे चीट को मैं डेली प्रोवाइड करता रहता हूँ। अभी आप लोग अपने गेम में टीरे डायनासोर का चीट को मैं बताता हूँ, जिसके ऊपर हमको बैठने वाले हैं। आप लोग अपने गेम में जैसे टाइल करोगे 5-1 तो आप लोग की गेम आ जाएगा टीरे डायनासोर, और आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है। अब आप लोग इसके ऊपर बैठने के लिए आप लोगों को बिल्कुल इसके पास में जाना, तो मैं यार इसके पास में जाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला, तो अपने गेम में वो आईजी टूल में चीट को मैं डायल करूंगा जिसके वजह से मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ। उससे पहले आप लोगों को बता दूं अपने गेम में स्मॉल डायनासोर का चीट को मैं, जैसे आप लोग अपने गेम में 50-50 डायल करोगे और उसके बाद आ जाएगा स्मॉल डायनासोर और उसके पास में जाओगे तो उसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा, और ऑप्शन पे क्लिक करके टीरे डायनासोर के इसके ऊपर तो मैं देख से बैठ जाता हूँ। तो हम लोग अपने गेम में टीरे डायनासोर पर बैठने के लिए आईजी टूल में कौन सा चीट को मैं डायल करना है, चलो मैं आप लोगों को जल्दी से वो चीट को मैं दिखाता हूँ। आप लोग अपने गेम में टीरे डायनासोर को स्पॉन करवा लेना। सबसे पहले आप लोगों को टीरे डायनासोर का चीट को मैंने आप लोगों को बता दिया, 5-1 होने वाला है और टीरे डायनासोर इजी देख से स्पॉन होने वाला है, ठीक है। अब आप लोग अपने गेम में बताता हूँ जल्दी से वो चीट को मैं, जिसकी वजह से आप लोग बैठ सकते हो। बैठने के लिए आप लोग अपने गेम में यहाँ पे लिखना पड़ेगा अटैक, जैसे आप लोग अपने गेम में यहाँ पे अटैक लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अटैक, उसके बाद आप लोग अपने गेम में इजी देख से टिक कर देना, ठीक है। अटैक लिखने के बाद आप लोग अपने गेम में कुछ नहीं करना, आप लोग को इजी देख से किसी भी फायर करना है, ठीक है। जैसे मैं किसी को फायर करूंगा, अब क्या होगा अपने गेम में, जो डायनासोर को मैंने स्पॉन करवाया था वो आएगा और बिल्कुल इसी लड़की को मारेगा जिसको मैंने जिस पे मैंने गोली चलाई थी, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को अपने गेम में सेकंड गोली दूसरी लड़की पे चला के दिखाता हूँ, उस पर क्लिक करूंगा तो भाई वो उसको भी इजी तरीके से किल कर देगा, ठीक है। तो यार इसी तरह से अपने गेम में जिसके ऊपर मैं गोली चलाऊंगा उसको इजी तरीके से मार देगा। आईजी टूल का एक न्यू फीचर्स है जिसको मजे से आप लोग अपने गेम में यूज करके इसी तरीके से इंजॉय कर सकते हो। तो गाइस अब बात आती है अपने गेम में जो टीरे डायनासोर है उसको भाई ड्राइव कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं ड्राइव कर पा रहा हूँ, तो भाई मैं तुमको बता दूं अपने गेम में जो टीरे डायनासोर है उसको तुम अभी ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो गेम के डेवलपर है उनको उन्होंने केवल अपने गेम में 3 डायनासोर बनाए हैं। कौन कौन से आए हैं अपने गेम में डायनासोर 3, जिसका चीट को मर होना है अपने गेम में 5-2, तो आप लोग डायल करके इसी तरीके से ये वाली डायनासोर को स्पॉन कर सकते हो। और साथ ही अपने गेम में जैसे तुम अपने गेम में डायल करोगे 5-3 तो आप लोग अपने गेम में ये वाली डायनासोर को स्पॉन कर सकते हो। लेकिन अपने गेम में जो टीरे डायनासोर को आप लोग अभी ड्राइव नहीं कर सकते, हालांकि आप लोग अपने गेम में मिनी डायनासोर को ड्राइव कर सकते हो जिसका चीट को मर है 505, ठीक है। जैसे स्पॉन करोगे 50-50 से इसको इसी तरीके से ड्राइव कर सकते हो। बताती है अपने गेम में जो टीरे डायनासोर है उसको ड्राइव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंड अपने गेम में इसको ड्राइव करने के लिए आप लोग को कौन सा चीट को हमें डायल करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग काफी ज्यादा कमेंट करके बोल रहे थे अपने गेम में टीरे डायनासोर के ऊपर बैठने का ऑप्शन बनवा दो, तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं हमारे जो गेम के डेवलपर है उन्होंने बोला है इस बार के अपडेट में टीरे डायनासोर भी आप लोग इसी तरीके से बैठ पाओगे एंड उसको भी आप लोग ड्राइव कर पाओगे। बट यार उन्होंने बोला अपने गेम में 50% चांसेस है, अगर टाइम मिलता है तो अपने गेम में इस बार के अपडेट में इसको भी ड्राइव करने का ऑप्शन बनाऊंगा मैं। तो अगर आप लोग अपने गेम में सभी चाहते हो मैं इस बार के न्यू अपडेट में गेम के डेवलपर को बोलूं कि अपने गेम में टीरे डायनासोर को ड्राइव करने का ऑप्शन को क्रिएट करवाना चाहते हो, तो आप लोग अपने गेम में टीरे डायनासोर ओपी लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट होंगे इस बार के अपडेट में टीरे डायनासोर को ऊपर बैठने का, मैं आप लोगों को वो चीट कॉमर जल्दी बता पाऊंगा। अभी आप लोगों को बता रहा हूं अपने गेम में कौन सा चीट कॉमर होने वाला अपने गेम में न्यू एंडेवर कार का, और अपने गेम में कौन से चीट कॉमर से अपनी न्यू एंडेवर कार स्पॉन होने वाली है। तो गाइस आप लोगों को मैंने बताया है कि अपने गेम में फाइनली हमारे जो गेम के डेवलपर है वर्क स्टार्ट कर दिया अपने गेम के ऊपर, और अपने गेम में गेम के ऊपर जब उन्होंने वर्क स्टार्ट करा तो अपने गेम में सबसे पहले जो चीट को ऐड कर रहे हैं अपने गेम में न्यू एंडेवर कार को, ठीक है। अपने गेम में कौन सा चीट कॉमर जिसकी वजह से अपने गेम में न्यू एंडेवर कार को स्पॉन करवा सकते हैं, चलो मैं आप लोगों को अपने गेम में वो चीट कॉमर जल्दी से दिखाता हूं। अपने न्यू एंडेवर कार का चीट कॉमर बताने से पहले हम आप लोगों को इस बार के अपडेट में आने वाले चीट कॉमर बता देता हूं। जैसे आप लोग अपने गेम में डबल 3300 डायल करोगे, 3005 डायल करोगे, आप लोगों की गेम आ जाएगी इसी तरीके से निशान जी टीआर कार, जो कि इस बार के न्यू अपडेट में आई है। और जैसे आप लोग अपने गेम में 400 डायल करोगे आप लोगों की गेम आ जाएगी न्यू इसी तरीके से न्यू Z10S, और अपने गेम में जैसे डायल करोगे 1210 तो आप लोगों की अपने गेम आ जाएगी KTM, ठीक है। ये जो चीट को नंबर हो गया अपने गेम में जो कि इस बार के न्यू अपडेट में आए, और अभी आप लोगों को बता देता हूं न्यू एंडेवर कार का चीट को नंबर। जैसे आप लोग अपने गेम में 20 डायल करोगे आप लोग की गेम में न्यू एंडेवर कार स्पॉन हो जाएगी। अभी आप लोग सोचेंगे भाई इसका चीट को नंबर तो पहले से पता ही है अपने गेम में न्यू कहां आई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं इस बार के न्यू अपडेट में हमारे जो गेम के डेवलपर है उन्होंने अपने एंडेवर कार को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, एंड उसको मॉडिफाई करके इस बार के न्यू अपडेट में आप लोगों को देखने को मिलने वाली। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपने न्यू Z10S पे आप लोगों को इस बार के न्यू अपडेट में मॉडिफाई देखने को मिली, इसी तरह से इस बार के न्यू अपडेट में आप लोगों को अपने गेम में मॉडिफाई एंडेवर कार देखने को मिलेगी, एंड अपने गेम में ये वाली जो एंडेवर कार है उसको रिमूव कर दिया जाएगा इस बार के अपडेट में, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं इस बार के अपडेट में आप लोगों को ऐसे अपनी एंडेवर कार ऐसी हो जाएगी एंड ये वाली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। मैं बता दूं अपनी जो शॉप है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो, और अपने गेम में ये वाली शॉप को आप लोग अपने गेम में किस तरह से एंजॉय कर सकते हो। अभी तो हमारे गेम में ऐसी कोई भी शॉप ऐड नहीं हुई है, एंड आप लोग अपने गेम में ऐसे कोई से भी शॉप को इसी तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इस बार के अपडेट में गेम का डेवलपर सोच रहे हैं क्या है, तो अपने गेम में कार शोरूम को ऐड करूंगा या फिर उसकी जगह अपने गेम में शॉप को ऐड करूंगा, ठीक है। हालांकि आप लोगों को पता होगा इस बार के अपडेट में कार शोरूम रिमूव हो चुका है, और साथ ही इस बार के अपडेट में एक न्यू चीज आएगी, उन्होंने बोला कार शोरूम या फिर शॉप, ठीक है। इस बार के अपडेट में कुछ भी आ सकता है, लेकिन
लेकिन न्यू आएगी, ठीक है। मतलब पुराना वाला जो कार शोरूम था वो इस बार के अपडेट में रिप्ले नहीं होगा, ठीक है। बाकी इस बार के न्यू अपडेट की जो इन्फॉर्मेशन है, इस बार के अपडेट में तुमको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तुमको अपने गेम में एंडेवर कार देखने को मिलेगी जो कि ये वाली होने वाली है, और इस बार के अपडेट में सबसे पहले इसके ऊपर भी वर्क स्टार्ट हुआ है। बाकी यार गेम के डेवलपर पूछ रहे हैं कि आप लोग अपने गेम में सेकंड चीज को क्या ऐड करवाना चाहते हो, आप लोग कमेंट करके बताना, जिस पे ज्यादा कमेंट होते हैं मैं वही चीज को ऐड करवा देता हूं, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे चीट को नंबर जाने के लिए। बाकी तुमको बता दूं अपडेट भी तुमको कब तक देखने को मिल जाएगा ये भी तुमको मैं बता देता हूं। आप लोग पूछ रहे थे तो अपडेट कब तक देखने को मिल जाएगा, अपडेट आप लोग अपने गेम में अभी तो देखने को नहीं मिलेगा, अभी गेम के डेवलपर में वर्क स्टार्ट करा है, लेकिन आप लोग को इस मंथ के लास्ट में देखने को मिल सकता है, 50% चांसेस है, ठीक है। बाकी आई होप तुमको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से फिर सेकंड वीडियो में, जब तक के लिए आप लोगों से गुड बाय, टेक केयर।